इस वीडियो में हम आपको बताने वाले एप्सन कंपनी के एल तीन सौ अस्सी ऑल इन वन मॉडल के सेम प्रिंटर में यहाँ पे हम कंप्यूटर से अगर कोई प्रिंट आउट दे रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंट हमारा क्लियर नहीं आ रहा है फोटो कॉपी कर रहे हैं तब भी क्लियर नहीं आ रहा है इसके साथ फोटो कर रहे हैं तो वहां पे फोटो भी क्लियर नहीं आ रही हो सकता है आपके भी सेम मॉडल के प्रिंटर में सेम प्रॉब्लम हो या प्रिंट क्लियर ना आ रहा हो इससे रिलेटेड कई और तरह की प्रॉब्लम भी आपको अपने प्रिंटर में देखने को मिल सकती है तो अगर आपके भी प्रिंटर में सेम प्रॉब्लम आ रही है या फिर प्रिंट आउट क्लियर नहीं आ रहा इससे कई और तरह की प्रॉब्लम भी अगर आपको दिख रही है आपके प्रिंटर में तो पे हाँ जैसा मैं इस वीडियो में जो स्टेप बताने वाला हूं सेम वही स्टेप फॉलो करने के बाद आप भी जो इस प्रिंटर के जो इस के है प्रिंट को क्लियर प्रिंट कर सकते हैं तो बह रही किस तरह से प्रिंटर की हमें है करने है। है करने के बाद कैसे हमें चेक करना है कि यहां पर हमारी चारों इंक क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है तो अगर आपको सारी जानकारी जाननी तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा तो यहाँ पर इस ऑप्शन कंपनी के एल तीन सौ अस्सी मतलब के सेम प्रिंटर में यहाँ पे हेड क्लीनिंग करने से पहले जहाँ पे इस प्रिंटर का ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए उसके बाद प्रिंटर आप ऑन कर लीजिएगा और प्रिंटर की यू एस बी केबल अपने प्रिंटर में कनेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद यू बी केबल का दूसरा पॉइंट है वो अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर लीजिएगा प्रिंटर ये आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद जो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ वहाँ पर जैसे जैसे जो मैं स्टेप आपको बताने वाला हूँ सेम वही स्टेप आपको फॉलो करना है जिससे आप इस प्रिंटर की जो हेड क्लीनिंग कर पाए हेड क्लीनिंग करने के बाद इस प्रिंटर में क्लियर प्रिंट आउट आप

कीजिएगा उसके बाद अगेन आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी फिर यहाँ से प्रिंट पे आप क्लिक कर दीजिएगा और ध्यान रहे आपके आपके प्रिंटर प्रिंटर में पेपर लगा होना चाहिए तो तो पे पे उसके बाद प्रिंट प्रिंट क्लिक कर दीजिएगा तो से एक प्रिंट आउट जो है निकलना चालू हो जाएगा प्रिंट आउट कुछ इस तरह रहेगा जैसे गुड कंडीशन में अगर रहेगा तो सारी लाइनिंग कुछ इस तरह से आएंगे सारी लाइनिंग क्लियर आएंगी और अगर प्रिंट आउट में यहाँ पे कोई भी लाइन अगर छोड़ता है तो यहाँ पे आपका मतलब प्रिंट आउट क्लियर नहीं आ रहा सारे कलर इंक आप चेक कर लीजिएगा कोई लाइनिंग जरा सा भी ब्रेक तो नहीं है यहाँ पे अगर जरा सी भी लाइनिंग कहीं अगर छूट होगी तो आपका आउट जो है नहीं आएगा या फोटो क्लियर नहीं आएगी आपकी तो प्रिंट आउट आपके प्रिंटर से निकल गया होगा उसको आप चेक कर लीजिएगा उसके बाद चारों कलर में से किसी कलर की अगर लाइन यहाँ ब्रेक है तो आप इस प्रिंटर की हेड क्लीनिंग करेंगे जैसे मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो इसको फिर यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है उसके बाद आपको जाना है हेड क्लीनिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है अगेन यहाँ पे आपकी जो हेड क्लीनिंग होना चालू हो जाएगी और जब तक आपकी ये हेड क्लीनिंग चल रही है तब तक आप प्रिंटर को डिस्टर्ब मत कीजिएगा प्रिंटर में कोई भी बटन आपको उस मत कीजिएगा प्रिंटर में आपके मूवमेंट होना चालू हो जाएगा और ग्रीन लाइट जो है बिलिंग होना चालू हो जाएगी तो हेड क्लीनिंग जब तक ये प्रोसेस चलेगा तब तक आपके प्रिंटर में ऐसे ही मूवमेंट होगा तो यहाँ पे हमारी हेड क्लीनिंग कम्प्लीट होगी उसके बाद प्रिंट देके आप देख लीजिएगा तो यहाँ पे प्रिंट नोजल पे आप चेक करिएगा उसके बाद प्रिंट आउट फिर से आपका निकलना चालू हो जाएगा जैसे इससे पहले आपका निकला था तो यहाँ पे प्रिंट पे हम क्लिक कर देते हैं जिससे हमारा प्रिंट आउट निकलने लगे और अगर आपकी चारों लाइन क्लियर आ गई होगी तो यहाँ पे आप जो है हेड क्लीन दोबारा से मत कीजिएगा तो यहाँ पे जो नोजल चेक करके हमने जो प्रिंट आउट दिया तो यहाँ पे प्रिंट आउट में हमारी चारों लाइनिंग क्लियर आ गई हैं अगर यहाँ पे आपके प्रिंटर में काफ़ी ज़्यादा लाइनिंग आ रही है एक दो बार क्लीन करने से सही नहीं हो रहा तो आप एक बार पावर इंक फ्लैशिंग भी चला सकते हैं यहाँ पर लेकिन ध्यान रही एक ही बार चलाना है क्योंकि जब भी आप ये पावर इंक फ्लैशिंग चलाते हैं तो यहाँ पर इंक काफ़ी ज़्यादा आपकी कंज्यूम करता है आपका प्रिंटर तो ध्यान रहे एक बार ही चलाइएगा ये अगर बहुत ज्यादा लाइन क्लियर नहीं आ रही बहुत ज्यादा ही लाइन आपकी ब्रेक है तो भी ये चलाइएगा नहीं तो नहीं चलाइएगा आप यही हेड क्लीन करके ही प्रिंटर के चारों इंक को क्लीन कर सकते हैं और अगर एक दो बार हेड क्लीन चलाने के बाद भी आपके चारों इंक क्लियर नहीं आती है तो यहाँ पे आप जो है प्रिंटर में जो इंक टैंक आपका है जिसमें आप इंक डालते हैं उस टैंक को आप निकाल के बगल में रख दीजिएगा उसके बाद टैंक का जो इंक कैप है इंक कैप को आप निकाल दीजिएगा उसके बाद एक दो बार हेड क्लीन करिएगा और ध्यान रहे टैंक आपका जो रखा होना चाहिए प्रिंटर के लेवल में रखा होना चाहिए आप खड़ा करके टैंक मत रखिए

कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके साथ अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला होगा तो जिससे हम आगे भी इसी तरीके से नई नई वीडियो चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाते रहे जिससे आप घर बैठे बहुत से आसानी से भी बिल्कुल फ्री हम हमारे वीडियो को देख के आप अपनी कर पाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ